हेलो फ्रेंड्स, मैं जशन और आप देख रहे हैं नोइस टेक। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो TWS जो कि बहुत ज़्यादा तगड़े हैं और दोनों भी हमको मिल जाते हैं ANC के साथ। हमारे पास है बोट के एयरडॉप 701 और हमारे पास यहाँ पे रियलमी एयर बड्स 2। दोनों के अंदर आपको ANC देखने को मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट मोड मिल जाता है, गेमिंग मोड मिल जाता है। तो ये दोनों को मैंने यूज़ किया काफ़ी अच्छे से और इनका मैं रिव्यू करने वाला हूँ कि आपको ये दोनों में से कौन से बेटर होंगे, आपको कौन से लेना चाहिए, ये प्राइस ब्रैकेट में आपके लिए कौन सा बेस्ट है। सबसे पहले अगर बात किया जाए बिल्ट इन डिज़ाइन की, तो यहाँ पर हमको रियलमी एयर बड्स 2 मिल जाते हैं कम्प्लीटली ग्लॉसी फिनिश में। प्लास्टिक की TWS है लेकिन काफ़ी प्रीमियम लगते हैं, ऐसा चीप प्लास्टिक यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। वहीं पर अगर सामने की हम बात करें तो यहाँ पर रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाती है और रेड और ग्रीन LED भी देखने को मिल जाता है। वहीं पर बाजू में आपको रीसेट बटन मिल जाती है और नीचे में आपको यहाँ पे USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रीमियम लगते हैं और काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है, तो हम बोल सकते हैं कि काफ़ी प्रीमियम लुक आता है इसका। वहीं पे अगर हम बात करें बोट एयरडॉप 701 ANC की, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में आपको ये देखने को मिल जाता है। ये भी कम्प्लीट प्लास्टिक है लेकिन यहाँ पे आपको ग्लॉसी नहीं बल्कि मैट फिनिश देखने को मिलता है और इतना ज़्यादा प्रीमियम लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ एल्यूमिनियम वगैरह का केस है लेकिन एक्चुअल में है प्लास्टिक और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें सामने साइड की, तो यहाँ पर आपको रेड, ग्रीन और ब्लू LED देखने को मिल जाता है। सामने ब्रांडिंग है और पीछे साइड में आपको USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए, और आप कुछ इस तरह से इसे खड़ा भी रख सकते हो, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। दोनों भी काफ़ी प्रीमियम है और दोनों का ही कंफर्ट अच्छा, मतलब आप अच्छे से कैरी भी कर सकते हो, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। वहीं पर बिल्ट इन डिज़ाइन में मैंने एक चीज़ नोटिस ये किया है कि इसके ऊपर, मतलब जो हमारे रियलमी बड्स है इसके ऊपर काफ़ी सारे स्क्रैचेस मुझे देखने को मिल रहे हैं, बहुत बारीक बारीक है लेकिन इतने ज़्यादा उठ के नहीं दिख रहे। हो सकता है कुछ टाइम आने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा उठ के दिखे। अगर मैं बात करूँ बोट्स की, तो यहाँ पर मुझे इसके ऊपर एक भी ऐसा स्क्रैचेस अभी तक देखने को नहीं मिला है। 3-4 दिन से मैं इसे कंटिन्यूस यूज़ कर रहा हूँ लेकिन एक भी इसके ऊपर स्क्रैचेस मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है। बात की जाए अगर बड्स के बिल्ट इन डिज़ाइन की, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं रियलमी एयर बड्स 2 से। तो यहाँ पे हमको कुछ इस तरह से ये बड्स देखने को मिल जाते हैं। ये भी कम्प्लीटली प्लास्टिक है लेकिन यहाँ पे जो ये लोग ने सिल्वर कलर यूज़ किया, ऐसा लगता है कि ये एल्यूमिनियम के, बट ये भी प्लास्टिक में आपको मिल जाते और कम्प्लीटली आपको ग्लॉसी फिनिश में देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इसके बॉटम साइड की स्टेम पे, तो यहाँ पे आपको नीचे में माइक मिल जाता है और स्टेम के ऊपर एक माइक मिल जाता है और बिल्कुल स्ट्रेट का स्टेम आपको देखने को मिल जाता है और काफ़ी लॉन्ग हमको मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे बड की, तो यहाँ पे आपको इन ईयर डिटेक्शन सेंसर भी मिल जाता है और नीचे साइड में यहाँ पे आपको राइट और लेफ्ट इंडिकेशन भी मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें बोट एयरडॉप्स की, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एंगल डिज़ाइन में देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी यूनिक ये मुझे लगा। और वहीं पर हम बात करें इसके स्टेम की, तो थोड़ा छोटा स्टेम्प है और स्टेम के ऊपर दो माइक आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नीचे साइड में सिर्फ आपको चार्जिंग पिन्स मिल जाती है, बाकी और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको राइट और लेफ्ट इंडिकेशन मिल जाता है और कुछ इस तरह से आपको ये बड देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बड के ऊपर आपको कोई भी आपको सेंसर वगैरह नहीं मिलता, बिल्कुल यहाँ पे क्लीन नहीं है। और यहाँ पे एयरडॉप जो है इसका डिज़ाइन मुझे कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता दिखता है, कुछ इस तरह से अगर आप देखो तो बिल्कुल सिमिलर अगर आपको दिख रहे होंगे। तो ये है हमारे एयरपॉड्स प्रो और ये है हमारे एयरडॉप्स, जो कि आपको बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं, मतलब सिमिलर ही आपको दिख रहे हैं लेकिन है नहीं, अलग अलग है। अब बात की जाए इनके कंफर्ट की, तो कंफर्ट के मामले में ये दोनों कैसे हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से पहले लगा लेता हूँ, उसके बाद दोनों का कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। किसी में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होती है, ना ही पेन होता है, ना ही ये फॉल होते हैं, ना ही कुछ और होता है। 4 से 5 घंटे मैंने दोनों को भी यूज़ किया है तो दोनों में मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, काफ़ी अच्छे से ये दोनों मेरे कान में फिट बैठ जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें स्टैम्प की, तो यहाँ पे जो इसका स्टैम्प है थोड़ा सा कुछ इस तरह से होता है लेकिन ये एंगल डिज़ाइन होने की वजह से इसका जो स्टैम्प है थोड़ा सा उठा हुआ होता है, बस इतनी एक चीज़ है इसको पहनने के बाद, बाकी इसके अंदर और कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही सिमिलर मिल जाते हैं आपको कम्फर्ट में। बात की जाए ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की, कि कितने जल्दी आपके फ़ोन से ये जुड़ जाते हैं या कनेक्ट हो जाते हैं, तो अगर हम बात करें रियलमी बड्स एयर 2 की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्लूटूथ 5.2 और 10 मीटर की रेंज तक ये वर्क करते हैं। और यहाँ पे 701 में हमको मिल जाता है ब्लूटूथ 5.0 और 10 मीटर की रेंज में ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर लेते हैं। एयर 2 में आपको मिल जाता है गूगल फास्ट पेयरिंग, मतलब आपको डब्बी खोली और तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। वहीं पर आपको यहाँ पे IWP मिल जाता है, मतलब इंस्टेंट वेक और पेयर। लेकिन मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम फेस की है बोट के अंदर, मतलब जब मैं इसे खोलता हूँ तो थोड़ा सा टाइम ले लेता है कनेक्ट होने के लिए, वो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे एयर 2 में यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, काफ़ी अच्छे से इसका कनेक्शन होता है। हो सकता है
कि ब्लूटूथ 5.2 यूज़ करने की वजह से इसका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है ऐसा मैं बोल सकता हूँ। थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम गई है, थोड़ा सा कनेक्शन में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जबकि इनका बोलना है कि यहाँ पे आपको IWP टेक्नोलॉजी मिल जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्लो कनेक्ट होते हैं ये। और मुझे यहाँ पे कोई भी ब्रेक या कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिली। हाँ, बस थोड़ा सा मुझे बोट के अंदर साउंड में थोड़ा सा लैग मुझे देखने को मिला है। अगर आपको भी यहाँ पे अगर इसके अंदर बोट के अंदर थोड़ा सा साउंड अगर लैग वगैरह मिला है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी कन्फर्म हो जाए और हमारी ऑडियंस को भी कन्फर्म हो जाए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कनेक्शन में कनेक्टिविटी में Realme Buds 2 तोड़ देते हैं। बात की जाए अगर बैटरी की, तो यहाँ पर Realme Buds 2 के अंदर हमको मिल जाती है 400 mAh की बैटरी और 2 घंटे के अंदर ये कम्प्लीटली फुल चार्ज हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें बड्स की, तो यहाँ पे हमको 45-50 mAh की बैटरी एक बड के अंदर देखने को मिल जाती है और ये भी तकरीबन 40 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें बोट एयरडॉप्स की, तो यहाँ पे तोड़ देते हैं, इसमें हमको 550 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है केस के अंदर और ये भी 2 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें बड्स की, तो इसके अंदर आपको 50 mAh की बैटरी मिल जाती है और ये भी 40 मिनट्स में कम्प्लीटली फुल चार्ज हो जाते हैं। और दोनों में ही आपको ASAP टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिससे ये तुरंत फास्ट चार्ज हो जाते हैं। अगर आप इस दोनों को 5 मिनट चार्ज करोगे तो 60 मिनट तक ये प्लेबैक टाइम आपको मिल जाता है, मतलब आप 60 मिनट तक इनको यूज़ कर सकते हो। बैटरी के मामले में दोनों ही बिल्कुल सेम वर्क करते हैं, दोनों ही सिमिलर है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बस हम बोल सकते हैं कि Realme Buds जो है इसके अंदर आपको 400 mAh की बैटरी मिलती है और इसके अंदर आपको 550 mAh की बैटरी मिलती है। तो यहाँ पर बैटरी में बोट्स काफ़ी अच्छे हैं। बात की जाए अगर साउंड क्वालिटी की, तो यहाँ पे Realme Buds 2 तोड़ देते हैं। 10 mm के ड्राइवर इसके अंदर हमको मिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्रिस्टल क्लियर साउंड यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छे से बेस ट्रेबल काफ़ी अच्छे से इसमें मेंटेन किया गया है। वहीं पे अगर हम बात करें बोट्स एयरडॉप की, तो यहाँ पे हमको मिल जाते हैं 9 mm के ड्राइवर, जो कि इसमें इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी एज़ कम्पेयर टू बड्स 2। तो हम बोल सकते हैं कि साउंड क्वालिटी के अंदर Realme तोड़ देते हैं। वहीं पे मैंने इन दोनों को ANC मोड में यूज़ किया है, तो ANC मोड में यूज़ करने के बाद जब मैं कुछ साउंड वगैरह सुन रहा था, कुछ म्यूज़िक सुन रहा था, तो दोनों ही बिल्कुल सिमिलर वर्क करते हैं, ऐसा कोई डिफरेंस मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला। वहीं पे अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी मोड की, तो ट्रांसपेरेंट मोड भी मैंने दोनों को यूज़ किया है, साउंड प्ले किया है, म्यूज़िक प्ले किया है, तो दोनों ही वहाँ पे भी मुझे सिमिलर मिले। तो साउंड क्वालिटी में ANC मोड हो या ट्रांसपेरेंट मोड हो, दोनों ही सिमिलर वर्क करते हैं। वहीं पे एयरडॉप हमको मिल जाते हैं बेस बूस्टर टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। और बोट एयरडॉप्स में 701 में हमको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, तो इससे इसकी जो क्वालिटी है साउंड क्वालिटी उतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं होती, नॉर्मली वर्क करता है ये। बात की जाए माइक क्वालिटी की, तो माइक क्वालिटी दोनों की मुझे यहाँ पे सिमिलर लगी, ऐसा कोई मुझे यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। मैंने कॉलिंग के लिए यूज़ किया है दोनों का भी, तो काफ़ी अच्छे से कॉलिंग हो जाती है, काफ़ी अच्छे से आगे वालों को मेरी वॉइस चले जाती है। मैंने दोनों का एक एक सैंपल रिकॉर्ड किया है, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए, आप जज कर सको कि दोनों की माइक क्वालिटी में से कौन सा बेस्ट है। तो ये रिकॉर्डिंग आप सुन के खुद ही जज कर सकते हो कौन सा बेस्ट आपके लिए हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ Realme Buds 2, मैं मेरे स्टूडियो में बैठा हूँ और मेरे ऊपर, आप खुद ही जज कर सकते हो कि इंडोर में ड्यूरिंग कॉल इसकी माइक क्वालिटी आपको कैसे करने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यूज कर रहा हूँ बोट के एयरडॉप 701 ANC। अभी मैं मेरे स्टूडियो में बैठा हूँ, मेरे पास फर्स्ट स्क्रीन में फैन भी शुरू है, आप खुद ही जज कर सकते हो कि इंडोर में इसकी माइक क्वालिटी आपको कैसे करने को मिलती है। बात की जाए अगर ट्रांसपेरेंट मोड की, तो दोनों ही TWS के अंदर हमको ट्रांसपेरेंट मोड देखने को मिल जाता है। बस इतना है कि बोट के अंदर यहाँ पे ये लोग ने क्रिस्टल क्लियर मोड ऐसा कुछ तो भी से बोला है, लेकिन है दोनों भी ट्रांसपेरेंट मोड। तो बात की जाए ट्रांसपेरेंट मोड की, तो यहाँ पे इसका ट्रांसपेरेंट मोड Air 2 का मैंने यूज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा मुझे। मतलब जब आप TWS लगा के रखते हो और जब इसका ट्रांसपेरेंट मोड ऑन होता है, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि आपने कोई TWS लगाया, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल एक्सपीरियंस आपको आता है। वहीं पे अगर हम बात करें बोट की, तो यहाँ पे जब मैंने इसका ट्रांसपेरेंट मोड यूज़ किया है, जब इसे यूज़ किया, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पैक से मुझे लगता है, मतलब फील होता है कि मेरे कान थोड़े से पैक है। और ट्रांसपेरेंट मोड वर्क तो करते हैं, मतलब आगे की बाहर की चीज़ें काफ़ी एनहांस होकर हमको सुने आती है, बट थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट मिला है कि ऐसा लगता है कि मेरे कान के अंदर कुछ TWS वगैरह अटके हैं और ओरिजिनल फील मुझे नहीं आता है। ये मैंने फेस किया है दोनों के अंदर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट मोड ज़्यादा बेहतर है Realme Buds 2 का। बात की जाए ANC की, तो दोनों ही के अंदर हमको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मोड मिल जाते हैं और दोनों के ANC काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, इन दोनों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। वहीं पर अगर हम बात करें Realme Buds 2 की, तो यहाँ पे आपको 25 dB तक ये जो है नॉइसेस को कम देते हैं और जो एयरडॉप 701 है ये 30 dB तक नॉइसेस को रिमूव कर देते हैं। तो दोनों ही सिमिलर वर्क करते हैं, दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलता है। अब बात की जाए गेमिंग मोड की, तो दोनों ही के अंदर आपको गेमिंग मोड मिल जाता है। Realme Buds में आपको गेमिंग मोड मिलता है और इसके अंदर आपको बीस मोड मिलता है, जो कि एक्चुअल में गेमिंग मोड है। हाँ,
तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे मोड मिल जाते हैं जिसके अंदर जब मैंने इसे टेस्ट किया हो तो यहाँ पे मुझे Realme Buds में नॉर्मल जब हमारा गेमिंग मोड ऑफ होता है तब आपको 90-100 मिली सेकेंड की लेटेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम बात करें इसकी Boat Airdopes 701 की तो इसमें 95-100 मिली सेकेंड की लेटेंसी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। और वहीं पे इसके अंदर जब हम गेमिंग मोड ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे Realme के अंदर हमको 88 मिली सेकेंड की लेटेंसी देखने को मिलती है और Boat के अंदर हमको 90-95 मिली सेकेंड की लेटेंसी देखने को मिलती है। तो गेमिंग मोड में मैं बोल सकता हूँ कि दोनों ही बेस्ट वर्क करते हैं, बिल्कुल सिमिलर वर्क करते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलता है। एनिमेस कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं और कौन आपके पीछे जा रहा है, कौन कहाँ पे गन चला रहा है, आपको काफ़ी अच्छे सुने आ जाता है। पबजी अगर आप खेलोगे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो अब बात की जाए मोनोपॉड फीचर की, तो दोनों ही TWS के अंदर आपको मोनोपॉड फीचर मिल जाते हैं। अगर आपको एट अ टाइम कोई भी एक TWS यूज़ करना हो तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता है। मैं जनरली कोई एक ही TWS यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। तो दोनों का मोनोपॉड फीचर काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, कोई यहाँ पे लैग कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती है। बात की जाए इन ईयर डिटेक्शन सेंसर की, तो यहाँ पे हमको Realme Buds 2 में इन ईयर डिटेक्शन सेंसर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। आप अगर म्यूज़िक सुन रहे हो और अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप इसे TWS को कुछ इस तरह से निकालो तो आपका म्यूज़िक पॉज हो जाता है और आप आगे बात कर सकते हो, अंदर डालो कंटिन्यू कर सकते हो, आपका म्यूज़िक चालू हो जाएगा। लेकिन वो फीचर हमको इसके अंदर Boat में 701 में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल यहाँ पे प्लेन है, कोई सेंसर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे यहाँ पे मिला है। बात की जाए अगर टच कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे दोनों ही के अंदर हमको फुल्ली टच कंट्रोल मिल जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें एयर 2 की, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टच कंट्रोल मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे से वर्क भी करते हैं। और आप जितने भी टच कंट्रोल हैं उनको सबको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो यूजिंग रियलमी लिंक ऐप। और काफ़ी कुछ आपको फीचर्स मिल जाते हैं रियलमी लिंक ऐप में। आप इसके अंदर से काफ़ी कुछ मतलब नॉर्मल मोड, गेमिंग मोड, ट्रांसपेरेंट मोड, बेस बूस्टर मोड, मतलब जितने कुछ मोड्स हैं या आपके जो टच कंट्रोल है वो सबको यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करें Boat 701 की, तो इसके अंदर आपको ऐसा कोई ऐप तो मिलता नहीं है, लेकिन वहीं पे आपको इसके अंदर टैप करके टच करके आपको मोड चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिली है। इसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है, राइट साइड वाले में आपको 3 सेकंड के लिए आपको प्रेस करके रखना पड़ता है तो ये स्विच करता है ANC मोड में। 3 सेकंड के लिए प्रेस करना पड़ता है तो ये स्विच करता है ट्रांसपेरेंट मोड में। 3 सेकंड के लिए प्रेस करना पड़ता है तो स्विच करता है गेमिंग मोड में। 3 सेकंड के लिए प्रेस करना पड़ता है तो स्विच करता है नॉर्मल मोड में। तो ये जो 3-3 सेकंड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते, जिससे मैं मतलब इसका जो ट्रांसपेरेंट मोड हो या गेमिंग मोड हो, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इसे स्विच करने में। तो हम बोल सकते हैं कि जो टच कंट्रोल्स है वो इसके इतने ज़्यादा बेस्ट मुझे नहीं लगे, मतलब मुझे पर्सनली मुझे पसंद नहीं आए। आपको पता नहीं 10 सेकंड या 12 सेकंड अगर आपको रुकना है कोई मोड के लिए तो आप रुक सकते हो, लेकिन मैं उतना नहीं रुक सकता, मेरे पास उतना पेशेंस नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कस्टमाइजेबल जो फीचर है टच कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छे हैं Realme Air 2 के एज़ कम्पेयर टू Boat 701। एक मिनट थोड़ा सा एक्चुअली में एक प्रॉब्लम और मुझे यहाँ पे हुई, मतलब जब इसे मैं रीसेट कर रहा था तो रीसेट करने के लिए आपको इसे मैन्युअली पावर ऑफ करना पड़ता है। तो मैन्युअली पावर ऑफ कैसे करते हैं, आपको इसको 8 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है तो यहाँ पे आपका LED जलता है। तो जब इसे ऐसा टच करके रखते हो ना तो आपको LED नहीं दिखता पहली बार, तो 8 सेकंड गिन लो आप। उसके बाद वो ऑफ हो जाने के बाद आपको 10 सेकंड के लिए फिर से इनके टैप करके रखना पड़ेगा और फिर LED जलता है ग्रीन वाला, तो आपको पता चलता है कि रीसेट हो चुके हैं। मैंने भाई दोनों ट्राई किया और दोनों नहीं हुआ मुझसे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे इसके टच कंट्रोल से। तो भाई बात की जाए IP रेटिंग की, तो यार बारिश आने वाली है, उसकी प्रिपरेशन Boat ने काफ़ी अच्छे से कर ली। मतलब Boat है, आप Boat से आप कहीं पे भी जा सकते हो, पानी के अंदर कूद भी जा सकते हो। IPX7 आपको देखने को मिल रहा है, इसको लगाओ और स्विमिंग पूल में कुछ जाओ, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होंगी, इतने ज़्यादा अच्छे ही है। वहीं पर अगर हम बात करें Realme Buds Air 2 की, तो यहाँ पे आपको X5 मिल जाता है जो कि थोड़ी बहुत धीमी धीमी बारिश वगैरह में, थोड़े बहुत पानी में और डस्ट में आपको हेल्प कर देते हैं। इसको लेके अगर आप Boat से अगर कूद गए ना तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो IP रेटिंग में मैं बोल सकता हूँ कि Boat एनी टाइम काफ़ी अच्छे X7 हमको मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू Realme Buds 2। अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो ना तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह का और कंटेंट आपको चैनल पे मिलने वाला है। नेक्स्ट और वीडियोस आने वाली है, ये भी देखो दो मैं पहन के बैठा हूँ, इन दोनों का भी कंपैरिजन आने वाला है। तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि जब भी वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफाई हो जाएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर दो। तो फाइनली बात करते हैं वर्डिक्ट की। 3,300 रुपये के आपको Realme Buds मिल जाते हैं और Boat Airdopes 701 ANC आपको मिल जाते हैं 4,000 रुपये के। तो जो पूरी वीडियो देख के अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो ना तो आपको तो खुद समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए या कौन सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर मैं आपको बता दूँ तो एनी टाइम Realme Buds काफ़ी बेटर है 3,000 रुपये में, 3,500 रुपये में बोल लो या 3,300 रुपये में बोल दो, तो ये काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू 4,000 के ये Boats। क्योंकि कोशिश काफ़ी अच्छी की Boat ने लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाया, काफ़ी सारे फीचर इसके अंदर हमको मतलब उतने अच्छे नहीं है और इन ईयर डिटेक्शन भी इसने नहीं दिया है, तो भाई क्या है। और थोड़ा बहुत लैग भी मुझे देखने को मिला था। तो हम बोल सकते हैं कि Realme Buds ऑल टाइम
काफ़ी अच्छे हैं, आप इसे कभी भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स दोनों ही TWS की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसे परचेस कर सकते हो। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।